स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोगों का सीक्वेंस क्या होगा, मेथडोलॉजी क्या होगा, किस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। चलिए हम लोग इस लेक्चर की बात करते हैं, इस एपिसोड की बात करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। जैसे आपको पता है, ये 12th का टॉपिक है जिसमें हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स क्या होता है? तो ऑप्टिक्स क्या होता है जी? फिजिक्स का वो पार्ट है जिसमें हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। लाइट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, फिजिक्स का वो पार्ट है। ठीक है, मतलब बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि ऑप्टिक्स में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? लाइट के बारे में। ठीक है, तो लाइट क्या होता है? तो लाइट वो पार्ट होता है वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिस पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट होता है जिसको हम लोग देख पाते हैं। हम लोग कहते हैं कि लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस। ठीक है, तो चलिए हम लोग लाइट के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हम लोग बात करते हैं, दो चार बातें बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, कैन वी सी लाइट, क्या हम लाइट को देख सकते हैं? कैन वी सी लाइट, क्या हम लाइट को देख सकते हैं? तो आंसर होगा, हम लाइट को नहीं देख सकते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि हम तो बल्ब देखते हैं। अरे आप बल्ब देखते हो ना, बल्ब इज सोर्स ऑफ लाइट, है ना, लाइट को आप नहीं देखते हो। ठीक है, फिर हमारे दिमाग ये भी आता है, देखा होगा आपने कि कोई डार्क रूम होता है ना, और कहीं पे अगर एक छोटा सा गैप रहता है, तो उस गैप से कुछ ऐसे सीधी रेखा में कुछ आता है। आप लोग वो क्या हो, तो लाइट ही है ना, लाइट को तो देख रहे? नहीं, आप लाइट नहीं देख रहे हो। आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें बहुत बहुत ज़्यादा गंदगी दिखती है ना, डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे गैप है, और उस गैप में क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है, और उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, वो डस्ट पार्टिकल्स पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तब जाके हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं, और हम फील करते हैं कि मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, गंदगी चारों तरफ फैली है, बस ये बात है कि हमें दिखती नहीं है। ठीक है, तो वहाँ भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, लेकिन वहाँ पे लाइट है, इसलिए हम डस्ट पार्टिकल्स को देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है, इसलिए डस्ट पार्टिकल्स को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो वो जो सीधी रेखा में आती है वो क्या कहलाता है, बताओ? लाइट है? नहीं, पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो हमें पता, अगर हम डस्ट पार्टिकल्स को हटा दें वहाँ से, मतलब वैक्यूम कर दें वहाँ से, डस्ट पार्टिकल्स को हटा दें, तो उस गैप से जो लाइट आ रहा है आपको पता चलेगा कि वहाँ पर लाइट है कि नहीं है? नहीं पता चलेगा। कहने का मतलब ये है कि लाइट है कि नहीं, इसके लिए क्या जरूरी है? पार्टिकल्स का होना, मतलब ऑब्जेक्ट्स का होना। हमें पता होना चाहिए कि अगर लाइट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट होगा तभी हमें पता चल पाएगा कि लाइट है या फिर नहीं। बात आई समझ में? ठीक है, तो हमें पता चला कि लाइट को सेंसेशन के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि फॉर द सेंसेशन ऑफ लाइट, या फिर कहते हैं टू फील द सेंसेशन ऑफ लाइट, किस किस चीज़ का होना जरूरी है? तो एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है ना। मान लीजिए कि एक रूम है, ठीक है, और उस रूम में हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, और आपको डाल दिया रूम में, लाइट ऑफ है, क्या आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। ठीक है, तो लाइट का सेंसेशन होगा? नहीं होगा। तो सेंसेशन ऑफ लाइट के लिए और क्या चाहिए जी? सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। हमें तो पता चला कि ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, डस्ट पार्टिकल्स नहीं होता तो वहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि वहाँ पे लाइट है कि नहीं है। ठीक है, तो हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, और क्या जरूरी है जी? सोर्स ऑफ लाइट का। चलो ठीक है भाई, बहुत मस्त चल रहा है। मान लो एक रूम है, उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, और लाइट भी है, और आदमी को डाल दिया, क्या वो ऑब्जेक्ट दिख जाएगा? लाइट तो है। हाँ सर, दिख जाएगा। अरे कैसे दिखेगा, जो आदमी को मैंने डाला था ना वो अंधा आदमी था, देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। मतलब टू फील द सेंसेशन ऑफ लाइट, और एक चीज़ की जरूरत है ना, कौन सी चीज़ है वो? आईज, है ना। क्या क्या जरूरी है जी? अब हमें पता चला कि लाइट के सेंसेशन के लिए एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, एक सोर्स ऑफ लाइट का होना जरूरी है, और तीसरा क्या है? आईज का होना जरूरी है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि लाइट के सेंसेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, तो लाइट जरूरी है ना।
लाइट ऑब्जेक्ट आई, है ना, लाइट ऑब्जेक्ट आई। शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एल ओ ई, ठीक है। एल ओ ई से हम लोग लाइट को, लाइट का हम लोग सेंसेशन कर सकते हैं कि लाइट है कि नहीं। तो लाइट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए और आई होना चाहिए, ठीक है। हमें पता चला कि ये तीन चीज़ें होंगी तो हम लाइट को देख पाएंगे। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लो कि एक रूम है और उसमें हमने एक ग्लास रखा, ठीक है ना, और जो ग्लास है ना 100% ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। 100% ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट उस पर जाएगा तो पूरा 100% लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। और मस्त एक आदमी भी है, उसके पास दो आँखें भी है सुरक्षित, ठीक है, और लाइट भी है। तो बताओ, ग्लास है मतलब ऑब्जेक्ट है, आदमी है आँख वाला तो आइज भी है और सोर्स ऑफ लाइट भी है, ठीक है, तो तीनों चीज़ें हैं ना। बताओ आदमी उस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा क्या? देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा है कि लाइट ऑब्जेक्ट को हम तब देख पाते हैं जब उस पर लाइट पड़ती है, और लाइट पड़ने के बाद हमारे आंखों पे आती है, फिर इमेज बनता है, तब दिखता है। अब सोचो जब ग्लास पे लाइट पड़ा तो क्या हमारे पास रेज आया वहाँ पड़ने के बाद? नहीं आया, क्योंकि रेज जो पड़ा उस पर ना रिफ्रैक्ट होकर वो चला गया, इसलिए हमें नहीं दिखेगा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि लाइट को सेंसेशन के लिए, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट ऑब्जेक्ट आई होगा तो ये सफिशियंट हम देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो ये फेल कर गया ना, यहाँ तो ऑब्जेक्ट भी था, आँख भी था और लाइट भी था, नहीं देख पाए, तो ये हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पे दिक्कत क्या था? दिक्कत ये था कि हमने जो ऑब्जेक्ट लिया था ना, वो ऑब्जेक्ट था ना वो 100% ट्रांसपेरेंट था, मतलब जो वहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ वो 100% रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, मतलब हमारे आँख पे रेज आया ही नहीं, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या हुआ, नहीं दिखा। तो हमें एक कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट होता है अभी कि इसका मतलब ये होता होगा शायद कि ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रिफ्लेक्शन होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। चलो भाई ले लेता हूँ, रिफ्लेक्शन करा लेता हूँ, ठीक है। चलो मैंने जो ग्लास लिया था ना, उस ग्लास को मैंने एक तरफ से ओपेक कर दिया, ओपेक मतलब अब लाइट रिफ्रैक्शन नहीं होगा, आई बात समझ में ना, ओपेक कर दिया। ओपेक करने मतलब ये हो कि लाइट का रिफ्लेक्शन अब नहीं होगा, मतलब एक तरफ से हमने पेंट कर दिया, ठीक है। अब सोचो अगर किसी ग्लास को अगर हमने ओपेक कर दिया तो क्या होगा, मिरर बन गया होगा अब तो, ठीक है। अब जो लाइट जाएगी ऑब्जेक्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट भी है, लाइट भी है और वही इंसान है आँख वाला, लाइट गया तो पूरा का पूरा इस बार रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना, 100% रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि वो मिरर बन चुका है, कुछ भी लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी, तो सारा का सारा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अब बताओ ऑब्जेक्ट दिख जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर दिखेगा अब तो, क्योंकि अब तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन जब मैंने कराया 100% दिखा ही नहीं, इस बार तो दिखना चाहिए। मैं बोलूँगा इस बार भी नहीं दिखेगा, क्योंकि 100% क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है, और 100% अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है वो मिरर है, क्या आप मिरर को देख पाते हो? बोलेगा हाँ ऑब्वियसली मिरर को देखते हैं। अरे भैया मिरर को आप नहीं देखते हो, आप अपना थोबड़ा देखते हो उसमें, मिरर नहीं दिखता है, आप कितने बदसूरत हो वो दिखता है, मिरर में क्या दिखता है, आपकी बदसूरती दिखती है। चलो आप खूबसूरत हो भाई, माइंड मत करना आप, ठीक है, आपकी खूबसूरती दिखती है उसमें, ठीक है। हाँ हम मिरर को कैसे पहचान लेते हैं, तो उसके किनारे से पहचान लेते हैं, उसका एज कैसा है, रेड कलर का, हाँ यही है, पकड़ो पकड़ो मिरर यही है, ठीक है ना। या फिर कहीं पर रखा हुआ मिरर तो व्हाइट कलर का उसमें इमेज बनता है, व्हाइट कुछ चमकता हुआ दिखता है, क्यों, क्योंकि हमारा सीलिंग जो होता है व्हाइट होता है, तो हाँ यही मिरर है। लेकिन वो मिरर नहीं दिखता है, क्या दिखता है उसमें, इमेज दिखता है। अब बात यहाँ पे ये आया कि हमने रिफ्लेक्शन कराया तो भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखा, हमने रिफ्लेक्शन कराया था तो भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखा था। एक बात आपको पता होगा, लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ता है तो क्या होता है, तीन चीजें होती है, रिफ्रैक्शन होगा, या तो रिफ्लेक्शन होगा, या तो एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। चलो दो चीज करा लिया, ऑब्जेक्ट नहीं दिखा है, इस बार तीसरा भी करा के देख लेते भाई, चलो करा लो। इस बार क्या हुआ कि उसको ब्लैक कर दिया पूरा, मतलब ऐसा किया कि सारा का सारा लाइट वो एब्जॉर्ब कर ले। अब तो आप कंफर्म हो गए दिखेगा ही नहीं, आँख पे नहीं आ रहा भाई साहब, जब आँख पे आ रहा था तो नहीं दिखा, अब तो आँख पे आ ही नहीं रहा है, अब तो ब्लैक हो गया ना, अब तो दिख ही नहीं रहा वो, है ना। तो हमने तीनों चीज़ करा दिया, रिफ्लेक्शन भी करा दिया, रिफ्रैक्शन भी करा दिया, एब्जॉर्प्शन भी करा दिया, ऑब्जेक्ट
नहीं दिखा, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। मैं दिख रहा हूँ ना? हाँ, हमें ये बोर्ड भी दिख रहा है, हमें ये मार्कर दिख रहा है, डस्टर दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है, सब कुछ। सच्चाई ये है कि ऑब्जेक्ट दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ करा लिया लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक चीज़ इसमें हमने लिया था, प्रॉब्लम इस बात में थी कि हमने जब रिफ्रैक्शन कराया था ना तो रिफ्रैक्शन भी 100% था, जब हमने रिफ्लेक्शन कराया था ना तो रिफ्लेक्शन भी 100% था, और जब हम एब्जॉर्प्शन कराए थे उस टाइम एब्जॉर्प्शन भी क्या हो गया था, 100% हो गया था, जिसके कारण दिखाई नहीं ऑब्जेक्ट। मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या होना चाहिए, क्या 100% रिफ्लेक्शन होना चाहिए, क्या 100% रिफ्रैक्शन होना चाहिए, क्या 100% एब्जॉर्प्शन होना चाहिए? हाँ, सही सोच रहे हो, 100% नहीं होना चाहिए, पार्शियल होना चाहिए। मतलब थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो जाए, थोड़ा सा रिफ्रैक्शन हो जाए, चलो एब्जॉर्प्शन भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100% कुछ भी नहीं होना चाहिए, पार्शियल होना चाहिए। अब हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से खुल के आया, वो बोला कि एलो ही नहीं है, अगर लाइट के सेंसेशन चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो क्या होना चाहिए, पार्शियल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, तब हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। आई बात समझ में ना? चलिए ठीक है, तो हमने अभी लाइट के बारे में बात किया, हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है, तो ऑप्टिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, लाइट के बारे में। तो लाइट क्या है, तो लाइट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है जो हमें विजिबल है, जो हमें दिखता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम लोग लाइट का हमने डिस्कशन किया इसमें। ठीक है, तो ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स ही तो पढ़ रहे हैं, टॉपिक तो मत भूलो। ऑप्टिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, आई बात समझ में? एक होता है क्या, रे ऑप्टिक्स, टाइम पास बात है, और दूसरा क्या है, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप रे ऑप्टिक्स अपनी कॉपी में सुंदर सा लिख दो, सुंदर सा लिखना। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स को जानने के लिए कुछ टर्म्स मैंने लिख दिया है, बेसिक टर्म्स हैं। ठीक है, और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, बेसिक टर्म्स है तो इसको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, आपने देखा भी होगा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ ताकि ये ना लगे कि सर ने बताया नहीं। ठीक है, तो लाइट हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा, लाइट ऑप्टिक्स में बेसिकली लाइट ही पढ़ते हैं। तो लाइट क्या होता है जी, तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच वेवलेंथ लाइज बिटवीन 4000 एंगस्ट्रम टू 7000 एंगस्ट्रम। ठीक है, लाइट मैंने भी बोल दिया कि लाइट वो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो हमें दिखता है, जो हमें दिखता है। ठीक है, वो कहलाता है लाइट। अब आया बात कि वेव, वेव क्या है भाई, तो वेव इज मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू द स्पेस। ये आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वेव क्या होता है, वेव व्हाट, वेव क्या लेके चलता है जी, एनर्जी लेके चलता है। ठीक है ना, वेव कैरीज व्हाट, एनर्जी। अगर एनर्जी मूव कर रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कि वेव चल रहा है। जैसे आप पानी में पत्थर मारते हो, तो पानी में पत्थर मैंने मारा तो मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया ना पानी में, पानी में हलचल क्रिएट किया ना, हलचल बनाया ना, मानो कहीं माना मैंने, तो ऐसे ऐसे पानी ऐसे ऐसे जाता है ना चारों तरफ। ठीक है, तो मैंने तो पत्थर तो वहाँ मारा था ना, लेकिन आप देखते हो कि वो जो हलचल वहाँ पे क्रिएट किया हमने, वो हलचल हमें किनारे तक महसूस होता है, किनारे तक हमें दिखता है वो हलचल। तो मान लो किनारे वाला जो पानी तो था रेस्ट पे था ना, अब वो भी पानी ऐसे हिला ना, वो पानी हिला कैसे, क्योंकि हमने वहाँ पे एनर्जी दिया था, वो एनर्जी यहाँ पे ट्रैवल करके इसको हिला दिया, तो क्या यहाँ पे आया जी, वहाँ से वो जो पानी ऐसे 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 चल के आ रहा था, वो क्या आ रहा था, एनर्जी आ रहा था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव है। बात आ गई समझ में, वेव क्या होता है, हम सिंपल सी बात में, सिंपल सी भाषा में कहते हैं कि वेव कैरीज व्हाट, एनर्जी। वेव एनर्जी लेके चलता है, अगर एनर्जी कहीं पे मूव कर रहा है मतलब क्या चल रहा है, वेव चल रहा है। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। अब आई बात कि अ वेव विच डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो वेव जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, माध्यम मतलब मीडियम, या फिर कोई मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है ना, मतलब विदाउट मीडियम वो वेव जो चले उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। वैसे वेव को हम क्या बोलते हैं, कौन सा वेव बोलते हैं बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ऐसा वेव
जिसको चलने के लिए मटेरियल या फिर मीडियम का जरूरत नहीं पड़े, वैसे वेव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो लाइट जो है वो कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ता है ना। उसके बाद हम लोगों ने वेव को आइडेंटिफाई किया विथ थ्री पैरामीटर्स, है ना। पैरामीटर्स का मतलब वो होता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को डील करने के लिए हम लोग कुछ पैरामीटर्स लेते हैं। जैसे मान लो हम लोग मोशन को पढ़ने के लिए हम लोग पोजीशन पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन पढ़ते हैं मोशन को समझने के लिए। उस तरह से हम लोग को वेव को समझने के लिए उसका एम्पलीट्यूड जानना पड़ता है, वेवलेंथ जानना पड़ता है, फ्रिक्वेंसी जानना पड़ता है, ठीक है। तो चलो हम लोग बारी बारी से एक एक करके समझते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या है देख लो, एम्पलीट्यूड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एट अ पॉइंट। हमने क्या लिखा है, क्वांटिटी लिखा है, ठीक है ना। क्वांटिटी मतलब जिस किसी का भी हम लोग एम्पलीट्यूड देख रहे हैं, जैसे मान लो लाइट एम्पलीट्यूड देखना है, ठीक है ना, लाइट वेव का एम्पलीट्यूड देखना है, तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे जो लाइट आ रही है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाएगा, ये लाइट वेव का क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। जैसे मान लो स्ट्रिंग वेव देख रहे हैं, तो स्ट्रिंग वेव में क्या होता है, ऐसे ऐसे वेव होता है ना, ठीक है। टेस्टिंग में हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, अब इस पॉइंट पर देखेंगे वो कितना मैक्सिमम ऊपर जा रहा है, वो तो ऐसे होता है ना, फिर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे किया, अब यहाँ पर रस्सी कितनी ऊपर उठी, यहाँ तक उठी, फिर यहाँ आया, फिर नीचे आया। तो इस पॉइंट पे ऊपर तो इतना भी उठा, इतना भी उठा, इतना भी उठा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैक्सिमम उठा है। तो इस स्ट्रिंग वेव का ये वाला पॉइंट क्या, ये लेंथ क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टर्बेंस मैक्सिमम यहाँ तक गया है। तो किसी भी चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। मैं जो बोल रहा हूँ तो किसी पॉइंट पे मैक्सिमम कितना सुनाई दे सकता है, वो साउंड वेव का क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ठीक है ना। किसी भी क्वांटिटी के एम्पलीट्यूड की बात करना है हमें, तो एम्पलीट्यूड वो होता है, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पे जो उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, जो रीच करता है, ठीक है। उसके बाद वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, तो अगर मान लो हमने स्ट्रिंग वेव भी देखा, अगर तो इस तरह से होता है ना, ऐसे हमने वेव देखा है ना पहले, तो यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ वेव, ठीक है, तो जब यहाँ से वेव स्टार्ट हुआ है तो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ से कैसे होगा, ऐसे जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, रिपीट हुआ ना, यहाँ पर क्या हुआ, रिपीट हुआ। तो मतलब इस पॉइंट पे हम लोग कहेंगे कि एक साइकिल क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। मतलब यहाँ से ये अब फिर जब यहाँ से ऐसे जाएगा ना, तो फिर इसको क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। जब देखो यहाँ भी ऐसे जा रहा है, यहाँ भी ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने साइकिल को क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक जहाँ से रिपीट करना स्टार्ट हुआ, मतलब एक साइकिल क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो जहाँ पे कंप्लीट हुआ, ये जो दूरी कहलाता है, ये क्या कहलाता है, लैम्डा कहलाता है। और लैम्डा डिनोट करा जाता है किसके लिए, वेवलेंथ के लिए। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है, ओके। तीसरी बात क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दिस इज नंबर ऑफ वेवलेट्स रीचिंग एट अ पॉइंट इन वन सेकेंड, ठीक है। मतलब एक सेकेंड में, अगर इसके टर्म में हम लोग देखें तो एक सेकेंड में कितना बार ऐसे ऐसे कर रहा है। जैसे मान लो ऐसा वाला, जैसे मान लो वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ऐसे गया, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में इसको एक सेकेंड लगे, तो देखो तो कितना साइकिल बनाया है, एक दो, ठीक है ना। मतलब एक सेकेंड में अगर यहाँ पे पहुँचने में इसको कितने लगे, एक सेकेंड लगे, तो इस एक सेकेंड में कितना बार ये कितना वेव बनाया, एक दो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, दो होगी, ठीक है। और इसमें एक और टर्म आता है ना, क्या, टाइम पीरियड आता है, टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड क्या कहलाता है, कि वो टाइम जितने टाइम में एक साइकिल बनता है, ठीक है ना। मतलब यहां से ये वाला, यहां से डिस्टर्बेंस को जाने के लिए कितना टाइम लगा, वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। एक साइकिल बनने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड कहते हैं। और एक सेकेंड में जितने साइकिल बनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आई बात समझ में, तो आप इसको पॉज कर लो और खूब आराम से लिख लो इसको, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी
wavelength and speed of wave are related as. देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको. जैसा कि हमने देखा कि यहां से यहां तक की जो दूरी थी ये क्या कहलाई बताओ, वेवलेंथ है ना. और यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा था वो क्या कहलाया था, टाइम पीरियड कहलाया था. कैपिटल टी से बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं. ठीक है. और देखो एक वेव बनने में टाइम जो लग रहा है टी लग रहा है, तो एक सेकेंड में कितने वेव बने होंगे. आप मान लो कि एक वेव बनने में 0.5 सेकेंड लगा होगा, तो एक सेकेंड में कितने वेव बने होंगे. 0.5 सेकेंड मतलब क्या, आधा सेकेंड में एक वेव बना, तो एक सेकेंड में कितना वेव बना, दो वेव बना. हमने अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले कि एक सेकेंड में जितने वेव बनेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी. तो इस टर्म में अगर टाइम, अगर एक वेव बनने में इतना 0.5 सेकेंड लगा ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे. और हमने बोला कि एक सेकेंड में कितने वेव बनेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. तो इस केस में फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, क्योंकि एक सेकेंड में कितना बन रहा है वेव, 2 बन रहा है. तो क्या हमें यहाँ से एक फॉर्मूला निकल जाएगा क्या कि फ्रीक्वेंसी इज 1/T. देखो तो अच्छे से, 1/0.5 कितना होगा, 2 होगा. ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि टी इज टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1/T होगा. ठीक है, हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. आई बात समझ में, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. ठीक है, तो देखिए हमें तो क्या रिलेट करना है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ वेव. ठीक है, तो मान लो स्पीड ऑफ वेव जो है ना वी है, ठीक है, और ये क्या है, लेमडा है, ये वाला दूरी क्या है, लेमडा है, और टी टाइम लगा. तो देखो ये तो सिंपल सी बात है ना, यूनिफॉर्म मोशन वाली बात आ जाएगी ना. ठीक है, वेलोसिटी वी है, टी टाइम में कितना गया है, तो लेमडा गया है, तो एस इक्वल टू बी टी पड़ा है ना. तो एस के जगह यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ इक्वल टू क्या लिख देंगे, वी इंटू टी लिख देंगे. आई बस समझ में. तो देखो तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, लेमडा इक्वल टू वी, और इसको टी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या हम यहाँ से टी 1/f कहलाएगा. तो क्या हम टी के जगह 1/f लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. तो क्या हमारे लिए वी इक्वल्स टू एफ लेमडा हो जाएगा, एक फॉर्मूला. ठीक है, वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है. दिस इज रिलेशन बिटवीन व्हाट, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ वेव, ये रिलेशन है. आई बस, ठीक है, इसको पॉज करके छाप लो इसको. तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो सी से डिनोट करते हैं हम लोग, और 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट अगर आप 12th क्लास में हो तो पहली बार देख रहे होगे, है ना. अगर आप 13 में हो तो आप इससे रूबरू हो गए. म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम. ये मैग्नेटिज्म चैप्टर में आपको मिलेगा. ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ क्या होता है, मीडियम होता है, किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होता है, ये आपको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से जरूरत पड़ेगा तो. ठीक है, और एप्सिलॉन क्या कहलाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहलाता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेगा. ठीक है, तो किसी मीडियम का म्यू हो गया और ये किसी मीडियम का परमिटिविटी हो गया. ठीक है, अब म्यू नॉट क्या है, तो म्यू नॉट इज परमिटिविटी ऑफ, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. ये फ्री स्पेस का क्या है, परमिएबिलिटी है. ये किसका है, मीडियम का है, किसी मीडियम को इस तरह से डिनोट करते हैं. सिमिलरली हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ये मीडियम का है तो फ्री स्पेस का कैसा होगा, तो एक नॉट लगा देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, आपको बता देता हूँ, इस सिंबल को ई नहीं बोलते, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं. ठीक है, एप्सिलॉन. ठीक है, एप्सिलॉन बोलते हैं. ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट को ऐसे दिखाते हैं. ये स्पीड ऑफ लाइट किस में आएगा, वैक्यूम में आएगा, मतलब फ्री स्पेस में आएगा. क्यों, क्योंकि इसमें हमने किसका वैल्यू रखा है, फ्री स्पेस का रखा है. अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालना है मीडियम में, मान लो स्पीड ऑफ लाइट जो है मीडियम का वी है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो √μ into epsilon.
ऐसे लिखते हम लोग, ठीक है। अब मीडियम का म्यू रखना पड़ेगा और एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो देखो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। देखो रिलेटिव रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसको डिनोट करते हैं हम लोग म्यूवर से, और ये होता है म्यू बाई म्यू नोट। तो इसमें हम लोग म्यू इक्व टू क्या लिख सकते हैं, म्यू आर इंटू म्यू नोट लिख सकते हैं, है ना। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बताओ अब तो आप बोल सकते हो ना। इसमें क्या कैसे रिलेटिव परमिटिविटी कैसे डिनोट करेंगे, एप्सिलन आर से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। एप्सिलन आर इज एप्सिलन बाई एप्सिलन नॉट, कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव क्वांटिटी कैसे डिनोट करते हैं। तो किसी भी मीडियम का अगर रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है तो उस मीडियम का परमिटिविटी बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। वैसे रिलेटिव परमिबिलिटी निकालना है तो किस मीडियम का रिलेटिव परमिबिलिटी निकालना है, उस मीडियम का हम लोग क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, परमिबिलिटी रखना पड़ेगा डिवाइडेड बाई परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और फ्री स्पेस का वैल्यू जो होता है वो अब मैं आपको लिख देता हूँ, म्यू नोट जो होता है ना 4π × 10⁻⁷ होता है, और एप्सिलन जो होता है 8.85 × 10⁻½ होता है, ठीक है। ये वैल्यू आपको समय के साथ याद हो जाएगा, तो अगर नहीं याद है तो किसी बात का चिंता नहीं है, वाह चलो ठीक है। तो अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालना है किसी भी मीडियम का, ठीक है, तो 1 बाई उस मीडियम का म्यू कैसे लिख सकते हैं बताओ, रिलेटिव परमिबिलिटी के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और एप्सिलॉन को कैसे लिख सकते हैं बताना, बताओ एप्सिलॉन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, बहुत बढ़िया। तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, बहुत अच्छे। तो वी इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन आर रूट में। और अगर आप ध्यान से देखते हो, कैसे देखते हो जी, ध्यान से देखते हो, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये वाली वैल्यू क्या है, सी है, बहुत अच्छे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सी बाई रूट, यही बचा ना रूट में, तो म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। इसको जरा से लिख लेना, मुझे जरूरत पड़ेगा, है ना, इसको मिटा देता हूँ, इसको पॉज करके लिख लो, चाहो तो पूरा लिख लो। तो v इक्वल्स हम लोग लिखते हैं c बाई, अब देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसको कुछ कांस्टेंट बोल देते हैं, इस कांस्टेंट को मान लो मैंने बोल दिया n, ठीक है, n बोल दिया, ठीक है। तो v इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, c बाई n, ठीक है। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट ही तो है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट किस में है जी, किसी मीडियम में, क्योंकि हमने मीडियम रखा है, ठीक है ना। और c क्या है, c भी स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन किस में है, फ्री स्पेस में। हम लोग बोलते हैं कि v इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना, किसी भी मीडियम में ऐसा है, ठीक है। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, बहुत अच्छे। तो देखिए n क्या है, n तो हमारे लिए तो कुछ कांस्टेंट दिख रहा है ना, म्यू आर और एप्सिलॉन आर, किसी मीडियम का म्यू आर क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि हर मीडियम का म्यू अलग होगा, भले एप्सिलॉन आर तो फ्री स्पेस का ही है, लेकिन म्यू आर तो अलग अलग होगा ना, वैसे एप्सिलॉन भी अलग अलग होगा अलग अलग मीडियम का। इसका मतलब ये हुआ कि म्यू आर एक मीडियम का अलग होगा, एप्सिलॉन आर भी पर्टिकुलर मीडियम का अलग होगा, ठीक है। इसका मतलब म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर जो प्रोडक्ट होगा वो भी पर्टिकुलर मीडियम के लिए अलग होगा, ठीक है ना। हर मीडियम का चेक अलग अलग चेंज करेंगे तो अलग अलग चेंज होगा, ठीक है ना। अब मैं बोलूंगा कि व्हाट इज म्यू आर फॉर फ्री स्पेस, तो म्यू आर फॉर फ्री स्पेस निकालना है ना। इसका मतलब ऊपर में म्यू रखते हैं किसका, जिस मीडियम का हम लोग क्या निकालते हैं, रिलेटिव निकालते हैं, तो आप फ्री स्पेस का यहाँ पे रख दो। फ्री स्पेस का तो म्यू नॉट ही होता है, तो म्यू नॉट बाई म्यू नॉट, ये तो फॉर्मुला से, तो म्यू नॉट बाई म्यू नॉट कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1। म्यू आर इज 1 फॉर फ्री स्पेस, सिमिलरली एप्सिलॉन आर इज 1 फॉर फ्री स्पेस, ठीक है।
लेकिन किसी मीडियम के लिए एप्सिलन आर और म्यू आर का वैल्यू कुछ होगा, तो कुछ होगा तो इसका मतलब कुछ कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है ना, एक टर्म आता है रे ऑप्टिक्स में, और इस टर्म को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, डरना नहीं है, ये एक टर्म है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब सोचो अलग अलग मीडियम का अलग अलग म्यू आर एप्सिलन आर होगा ना, तो ये प्रोडक्ट भी तो अलग होगा, है ना। मतलब एन कितना आया बताओ, एन यही वैल्यू आएगा ना, वन बाई दिस रूट म्यू आर इनटू एप्सिलन एप्सिलन आर, है ना। मतलब इस वैल्यू को हमने क्या बोला, एन इस वैल्यू को बोला है ना, वन बाई नहीं, एन क्या है, म्यू आर इनटू एप्सिलन आर है, ठीक है। तो हर मीडियम का म्यू आर इनटू एप्सिलन आर क्या होगा, अलग होगा। इसका मतलब हर मीडियम का एन भी क्या होगा, अलग होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, अलग होगा। इसका मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक मीडियम का क्या होगा, प्रॉपर्टी होगा। जैसे मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड में म्यू आर हम लोग अलग अलग मीडियम का अलग अलग रखते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन आर अलग अलग होता है अलग अलग मीडियम का। वैसे जब हम लोग लाइट पढ़ते हैं तो लाइट में मीडियम को हम लोग जो डिफाइंड करते हैं, ठीक है ना, वो किससे डिफाइंड करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को बात करनी है, लेकिन अभी नहीं करनी है, ठीक है। कुछ लेक्चर्स के बाद आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, उसको बहुत अच्छे से हम लोग डील करेंगे, आई बस हमें, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, इसको लिख लीजिए अच्छे से, पॉज करके। अब देखिए हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकालना है, सी इक्वल्स टू वन बाई रूट म्यू नॉट इन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर वैक्यूम का स्पीड ऑफ लाइट निकालना है ना, तो क्या करूँगा, म्यू नॉट की जगह ये रख दूंगा और एप्सिलॉन नॉट की जगह ये रख दूंगा। तो ये रखोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आता है, 3 × 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड, है ना। हम लोग बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, इसको आप लिख लीजिए, पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो हमने पढ़ा अभी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है विजिबल, है ना, विजिबल जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 10⁴⁴ हर्ट्ज़ होती है, ठीक है। और क्या है, कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाई इट्स फ्रीक्वेंसी। अब लाइट किस कलर का दिखेगा, है ना, ब्लू होगा, रेड होगा, कैसा होगा, तो कौन सी बात डिपेंड बताती है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी देख हम लोग उसका कलर बताते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे इसके चैप्टर के, ठीक है ना, ये सब बेसिक बातें हैं थोड़ी सी। और एक क्या है, स्प्रेड ऑफ लाइट इज नेग्लिजिबल एंड इट इज एंड दैट इज वाई इट अपीयर्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखो अभी इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं ना, रे ऑप्टिक्स है, और एक क्या है, मैंने लिखा था ना वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर पढ़ते हैं लाइट का, ठीक है ना, इसमें क्या पढ़ते हैं, पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं लाइट का, ठीक है। तो इसमें हम लोग मानते हैं कि जो लाइट है सीधी रेखा में जाती है, आई बात समझ में ना, तो इसलिए हम लोग मानते हैं कि लाइट का जो उसका स्प्रेड होता है, अगर हम लोग यहाँ से लाइट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो स्प्रेड होता है क्या मानते हैं हम लोग, उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब ऐसे 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 घूम के नहीं जाता, वो क्या जाता है, सीधे जाता है, ठीक है। अगर स्प्रेड नेग्लिजिबल है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि सीधे जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि लाइट क्या किस पे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, आई बात समझ में, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं इसके कारण क्या होता है, पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड व्हाट, फ्री, है ना। जो लाइट का पाथ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रे बोलते हैं, आई बात समझ में, चलो ठीक है। इसको थोड़ा सा पॉज करके लिख लो, बेसिक बात था, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं था, पॉज करके इसको आप लिख लो, पाथ ऑफ लाइट क्या होगा, रे कहलाएगा, है ना, रे कहलाएगा। अब रे जो होता है ना, दो तरह का होता है, एक होता है क्या, पैरेक्सियल रे, ठीक है, और दूसरा होता है मार्जिनल रे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या है, पैरेक्सियल रे क्या कहलाता है। तो पैरेक्सियल रे मान लो आप कि ये क्या है, कोई कॉनकेव मिरर है, और ये पॉइंट क्या कहलाता है जी, पोल कहलाता है, और ये वाला क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, थोड़ा सा आइडिया होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लो कोई रे स्टार्ट हुई ऐसे, ठीक है, और इसका लाइन ऐसे है, देखना ये रे ऐसे है, ठीक है, ऐसे जा रही है, तो इस पॉइंट पर ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, जो थीटा बनेगा, ये थीटा क्या होगा, बहुत ही, ये थीटा बहुत ही स्मॉल होगा ना,
देखो तो ये रेज अगर तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर तुम रेज देखोगे तो हम लोग बोलेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस का ये लाइन क्या है, लगभग पैरेलल है ना। ये जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के लगभग क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इसलिए थीटा क्या बन रहा है, बहुत ही छोटा बन रहा है। तो जब दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, इसका मतलब ये कहाँ से आ रहा होगा, इन्फिनिटी से आ रहा होगा, क्योंकि दो लाइन जब इन्फिनिटी पे से आता है तो हम बोलते क्या है, दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ऐसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है ना, इसका मतलब वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो तो एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है लेकिन वो लगभग क्या है, पैरेलल है, मतलब पेरेक्सियल रेज क्या कहलाएगा, ऐसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत ही छोटा एंगल बनाए। और बहुत ही छोटा एंगल कब बना सकता है, जब वो कहाँ से आ रहा होगा, इन्फिनिट से आ रहा होगा, और लगभग वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा। बात आई समझ में, पेरेक्सियल रेज क्या कहलाता है, पेरेक्सियल रेज क्या होता है जी, इन्फिनिट से आता है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत ही छोटा एंगल बनाता है, ठीक है। तो ऐसे रे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, ऐसे रे को क्या बोलते हैं हम लोग, पेरेक्सियल रे। बहुत बढ़िया, अब देखते हैं मार्जिनल रे क्या है भाई। चलो ठीक है, तो मार्जिनल रे जस्ट ऐसा ही है, समझ गए होगे क्या है ये, है कि नहीं, इतना तो क्या बिल तुम्हारे अंदर है ही। अरे हमें पूरा विश्वास है कि देखो ये रे है, ऐसे ऐसे क्या, अब बताओ इसको कोई कह सकता है कि पैरेलल है दोनों, कोई कह सकता है, नहीं है। अरे कहाँ से पैरेलल है भाई, ये थीटा क्या स्मॉल होगा, ये थीटा स्मॉल नहीं होगा, ये थीटा क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल रे है, ठीक है ना। तो ऐसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बड़ा बनाए वो कौन सा कहलाएगा, रे मार्जिनल रे कहलाएगा। और ऐसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ छोटा एंगल बनाए वो कौन सा कहलाएगा, रे पेरेक्सियल रेज कहलाएगा। आई बात समझ में। तो इस चैप्टर में हम लोग जब भी रेज लेंगे, कभी भी हम लोग मिरर का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, लेंस का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, जहाँ भी लेंगे रेज वहाँ पे हम लोग कैसा रेज लेंगे, पेरेक्सियल रेज लेंगे। ओके क्लियर, बहुत अच्छे, ठीक है। तो हम लोग इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े, तो हम लोग स्टार्ट किए थे लाइट के फील्ड से, लाइट को हमने फील किया कि लाइट को हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, याद है ना, हाँ ठीक है। हमने बोला था कि पार्शियल रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, तब जाके हम लोग लाइट को देख पाएंगे। फिर रे ऑप्टिक्स को समझने के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स पढ़ा, एम्पलीट्यूड पढ़ा, वेवलेंथ पढ़ा, फ्रिक्वेंसी पढ़ा, है ना। फिर बीच में हम लोग कुछ कुछ बातें की थी स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, जो कि मीडियम पे है ना डिपेंड करेगा, वैक्यूम में क्या होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि रेज वगैरह ये है, ठीक है ना। अब देखो कलेक्शन ऑफ जो रेज होता है ना, कलेक्शन ऑफ रेज जो होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि कलेक्शन ऑफ रेज क्या होगा, ठीक है, इसको लिख लिए, लिख लिए तो बढ़िया है, पॉज करके लिख लो। तो अभी हमने समझा रे के बारे में, ठीक है। और एक बेसिक टर्म है, क्या है, द कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड व्हाट, बीम, क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं, भीम नहीं रे, बीम बोलते हैं, ठीक है, हाँ। तो ये सब टर्म्स थे, ठीक है ना, पेरेक्सियल रेज क्या होता है, ताकि हमें आगे चल के मिले कि पेरेक्सियल रेज क्या होता है, तो हमें समझ जाए अच्छे से कि हाँ ये पेरेक्सियल रेज होता है, मार्जिनल रेज क्या होता है, बीम क्या कहलाता है, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ से आता है, लाइट को हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, है ना, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, इन सारे चैप्टर, इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हमने इस लेक्चर में बात किया। तो ये पूरा पूरा क्या था, बेसिक लेक्चर था, ठीक है ना। इस लेक्चर से आपको क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो नहीं बनेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस होंगे, फीलिंग वाले जो क्वेश्चंस होंगे, थ्योरेटिकल होंगे, वो आपको इस लेक्चर से बनेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, बोले तो रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर हम लोग का होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस चैप्टर में, इस लेक्चर में जो भी था कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको स्ट्रांगली आप रिवीजन कर लीजिए, नोट्स तो आप बना ही लिए होंगे, तो आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। अगर इस लेक्चर से कोई भी डाउट है तो आप फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करिए और उस पर आप पोस्ट करिए, ठीक है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।